हेलो स्टूडेंट्स, हम रिट्स देख रहे थे। रिट्स में हमने हैबियस कॉर्पस, मैंडमस और प्रोहिबिशन रिट को देख लिया। आज हम देखेंगे सर्शियरी रिट। ठीक है, रिट हमारा चल रहा है, इसमें हम देखेंगे सर्शियरी रिट है। इसका मतलब है टू बी informed, to be informed या to certified या यूं कह लो अभी प्रमाणित, अभी प्रमाणित करना। ठीक है, सर्शियरी में क्या होता है, रिट और ऑर्डर बाय विच अ हायर कोर्ट रिव्यू अ केस। ठीक है, ट्राइड इन अ लोअर कोर्ट, ट्राइड इन अ लोअर कोर्ट, जो ट्राइड। ठीक है, रिट क्या है, ये सर्शियरी रिट एक ऐसी रिट या ऑर्डर है जिसके द्वारा हायर कोर्ट क्या करती है, रिव्यू करती है केस का जो ट्राइड किया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये जनरली लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में डाली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब होता है टू इन्फॉर्म और टू सर्टिफाई या यूं कह लो अभी प्रमाणित करना। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू होल्ड करना। किसको, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को, इसमें विदिन द लिमिट ऑफ देयर ज्यूरिसडिक्शन, विदिन द लिमिट ऑफ देयर ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ये है। दूसरा, जो वर्क किया है इसमें, वर्क कैसे किया है, वायोलेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, उसको क्या करना, उसको कैंसल्ड करना। ठीक, पर्पस दो पर्पस हैं, टू होल्ड जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर ज्यूरिसडिक्शन, और जो वर्क उसने वायलेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में किया है उसको कैंसिल करना या यूं कह लो उसको रद्द करना। ठीक है, ये इसका पर्पस हुआ। अब हम देखते हैं, ठीक है, व्हेन विल बी इशूड, कब इशू की जाएगी ये। ठीक है, व्हेन विल बी इशू, व्हेन विल बी इशू। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना
कि ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी इनके खिलाफ की जाएगी जब इसने जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जुडिशियल अथॉरिटी ने अथॉरिटी को स्टेट्यूटरी राइट हो स्टेट्यूटरी राइट होना चाहिए और इसने पिटिशनर के राइट को अफेक्ट करने वाले क्वेश्चन को डिटरमाइन किया है। ठीक है, और इसने कैसे किया है, एक्टिंग जुडिशियली जुडिशियली एक्टिंग एक्ट किया है और बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन एक्ट किया। ठीक है, खुशाल दास के केस में ये बातें की गई, ये बातें कही गई कि जब जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ने को स्टेट्यूटरी राइट रहा हो, उसने पिटिशनर के राइट को इफेक्ट करने वाले क्वेश्चन को डिटरमाइन किया हो और वो एक्टिंग जुडिशियली कर रहा हो, ठीक है, तो और उसने बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जुरिस्डिक्शन से बाहर जा करके काम किया हो, तब ये रिट उसके खिलाफ जारी की जाएगी। ठीक है, किसी लोअर कोर्ट या किसी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ। ठीक है, दूसरा, वैन विल नॉट बी इशूड, कब ये इशू नहीं की जाएगी, तो पहला फोर अमेंडमेंट ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अमेंडमेंट के लिए ये जारी नहीं की जाएगी। दूसरा, अल्ट्रा वायरस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराने के लिए ये जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, किसी एक्ट या ऑर्डिनेंस को रिपील करने के लिए, उसको निरस्त करने के लिए तब भी ये नहीं जारी की जाएगी। अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट कोर्ट के सामने टू व्यू थे और उसने वन को एडॉप्ट किया, तो इसके खिलाफ भी ये जारी नहीं की जाएगी। दूसरा, अल्टरनेटिव रेमेडी, अल्टरनेटिव रेमेडी है, ठीक है, अगर अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है तो उसके खिलाफ भी ये रिट जारी नहीं की जाएगी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के में अमेंडमेंट करने के लिए, अल्ट्रा वायरस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए, किसी एक्ट या ऑर्डिनेंस को रिपील करने के लिए, सबॉर्डिनेट कोर्ट के सामने जब दो व्यूज हों, उसने कोई एक को चुना हो उसके अगेंस्ट में, या जहां अल्टरनेटिव रेमेडी हो, तब ये रिट इशू नहीं की जाएगी।
ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन शेयरशनरी एंड प्रोहिबिशन, ठीक है, तो कहिए कि स्टेज का डिफरेंस है, ठीक है, स्टेज का और कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, जो कॉन्सिक्वेंस जो परिणाम को रोकती है, स्टॉप करती है, कौन सी? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन परिणाम को रोकेगी और ये इसको अफेक्ट करेगी सेंसोरी, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ, ठीक है, हम जारी कर सकते हैं, साइमल्टेनियस दोनों को, जब कोई कोर्ट है, कोई कोर्ट है, उस कोर्ट में कोई केस पेंडिंग पड़ा है और फाइनल डिसीजन नहीं आया, कोई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग पड़ा है और उसमें फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तब ये दोनों रिट एक साथ जारी की जा सकती है, प्रोहिबिशन के द्वारा उस कार्रवाई को रोककर और सर्सरी के द्वारा उस कार्रवाई को रद्द करके, कैंसिल करके। इस तरीके से ये दोनों रिट कुछ मामलों में एक साथ भी जारी की जा सकती है, ठीक है। ये हमारा सर्सरी रिट भी कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।